हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स एंड पे। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है वो देखिए क्या लिखा है इसमें। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो इसमें बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया हमें गिवन है, और हमें ये बोला गया है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का अगर ट्वाइस कर दे और उसमें एक ऐड कर दे तो वो उसकी लेंथ है। तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इसे मान लेंगे कि जो ब्रेथ है वो एक्स सेंटीमीटर है। लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो लेंथ हमें क्वेश्चन में क्या गिवन थी कि ब्रेथ का टू टाइम्स करके उसमें वन ऐड कर दो, तो ये आपकी लेंथ आ गई। अब हमसे पूछा गया है लेंथ ऑफ ब्रेथ है क्या क्या और रेक्टेंगल का एरिया गिवन है। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ है x और ब्रेथ है 2x प्लस सॉरी ब्रेथ है x और लेंथ है 2x प्लस 1। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x, ये 528 आ गया और इक्वेशन आ गई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये बोला गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही आपको रखना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये क्वेश्चन तो यहाँ पर ही सॉल्व हो गया है। लेकिन अगर आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी है तो आप क्या कीजिए, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए, तो उसके बाद इसकी लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके। तो मैं एक बार बता देती हूँ एक क्वेश्चन सॉल्व करके कि कैसे करना है। जैसे ये 528 है और यहाँ पर 2 है, तो सबसे पहले तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसका एलसीएम लीजिए जो इसका सॉल्यूशन आया है। अब हमें इन नंबर्स को ऐसे अरेंज करना है कि माइनस करने पे प्लस का 1 आए। तो देखिए कैसे करेंगे हम। तो 33 और 32 के पेयर्स बन जाएंगे इसमें। 2x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 33x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे इसको माइनस करेंगे तो हमारे सॉरी ये माइनस का साइन आएगा और ये प्लस का, क्योंकि हमें प्लस का x चाहिए। तो प्लस 33x माइनस 32x प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा है x प्लस 16 सॉरी x माइनस 16, माइनस का साइन है ना, और यहाँ 33 कॉमन आ गया तो x माइनस 16 0। तो x माइनस 16 कॉमन आ गया और ये आ गया 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 16 आ गई और एक आएगी माइनस 33 बाय 2। तो जो माइनस की वैल्यू होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपकी ब्रेथ क्या आ गई 16 सेंटीमीटर और लेंथ क्या आ गई 2 इंटू 16 प्लस 1 इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। मतलब दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब अगर एक इंटीजर x है, जैसे आप देखेंगे कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है जो एक के बाद एक आता है, जैसे 1, 2, 3, 4, तो इसमें क्या होता है एक एक ऐड होता है। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कौन सा इंटीजर है, तो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट इंटीजर x, तो जो सेकेंड इंटीजर इसके बाद वाला ही होगा और इसके बाद वाला मतलब इससे एक ज़्यादा, तो सेकेंड इंटीजर हो गया आपका x प्लस 1 और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 306 के इक्वल है। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये इक्वेशन आ गई। तो अगर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तक छोड़ना है तो आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, लेकिन कई स्कूल्स में इसको पूरा सॉल्व भी करवाया जाता है। तो मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। 306 यहाँ पर 1 है तो 306 इंटू 1 306 ही आ गया। आप 306 का एलसीएम लीजिए पहले। अब हमें इन नंबर्स को ऐसे अरेंज करना है कि माइनस करने पे प्लस का 1 आए।
तो ये देखिए 3 2 6 3 18 और 17, इनको अगर हम माइनस करेंगे तो वन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 18x - 17x - 306 = 0। यहाँ से 18 कॉमन आ गया माइनस 17, तो ये क्या आ गया एक्स प्लस 18 = 0, एक्स माइनस 17 एंड एक्स प्लस 18। अब इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक जगह से तो एक्स 17 आ जाएगा, एक साइड से माइनस 18 आ जाएगा। माइनस की वैल्यू को हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं, तो एक्स की वैल्यू 17 आ गई, तो जो फर्स्ट इंटीजर है वो 17 आ गया और सेकेंड इंटीजर आपका 18 आ गया। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको 306 मिल जाएगा। आप यहाँ से इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब इसमें दो पार्ट और बचे हैं, वो पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इसी वीडियो को देखें, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है, आप हमें वहाँ पर जाके भी अपना मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।